हेलो एवरीवन, यह है वीडियोस वर्ल्ड चैनल और आप देख रहे हैं स्टैट प्रो ट्यूटोरियल सीरीज। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कर्व मेंबर कैसे ड्रॉ करते हैं, मॉडलिंग एडिटिंग टूल, तो इन्हीं सभी टूलों को हम मॉडलिंग एडिटिंग टूल बोलते हैं। ठीक है, ये सारे टूल क्या है हमारे, मॉडलिंग एडिटिंग टूल। तो उसके बाद हम कनेक्ट बीम अलोंग्स, स्ट्रेच कैसे करते हैं हम किसी मेंबर को, और इंटरसेक्ट कैसे करते हैं, मर्ज, इन सभी छोटे छोटे टूल्स के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टैट प्रो ट्यूटोरियल सीरीज स्टार्ट करते हैं। न्यू प्रोजेक्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कर्व बीम की। एक हमारे पास ये मेंबर है 10 मीटर का। अब हमें इसके ऊपर ऐसे एक कर्व बीम ड्रॉ करना है। इस तरह से कर्व बीम ड्रॉ करना है। तो हमें क्या चाहिए, एक तो ये चाहिए कि ये वर्टिकल है ऐसे, वर्टिकल डायरेक्शन देनी होगी इसे। ये ऐसे भी हो सकती है डाउनवर्ड, और ऐसे भी सामने की तरफ से भी हो सकती है। तो हमें क्या देना है इसको, एक तो डायरेक्शन देनी है कि कर्व जो है आपकी किस डायरेक्शन में बनानी है, और दूसरी चीज है रेडियस। तो रेडियस क्या होगी इसकी, थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं। अगर आपकी ये कर्व मेंबर है तो उसकी रेडियस क्या होगी, ये इसकी रेडियस होगी कुछ इस तरह से, है ना। तो हमें रेडियस प्रोवाइड करनी है, और क्या प्रोवाइड करना है, एंगल। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें एक ऐसा मेंबर चाहिए जिसके ऊपर या दो नोट्स चाहिए जहां पे हमें कर्व बीम ड्रॉ करना है। तो आप क्या करेंगे, ये जो एड बीम का आइकन है आपका, इस पर क्लिक करेंगे और होल्ड रखेंगे माउस को, और यहाँ पे देखिए जो सेकंड है आपका आइकन, ये है आपका कर्व बीम का, इस पर ले आके माउस को छोड़ देंगे। अब ये कर्व बीम का आ चुका है, अब इस पर क्लिक करेंगे एक बार। अब देखिए हमारा कर्सर कर्व बीम का हो चुका है। तो मैंने इस पर क्लिक किया और इस पर क्लिक किया, तो ये मुझसे पूछता है कि बताइए रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी कि वो रेडियस कितनी होगी उसकी। तो मैंने डाल दिया है इसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर 15 मीटर, और एंगल 0 रहने देते हैं। अब ओके करते हैं। तो देखिए 3D में देखते हैं, ये देखिए 0 एंगल का मतलब है कि हमारा इस प्लेन के साथ एंगल, ये जो प्लेन है हमारा, ये इस प्लेन के साथ एंगल। तो इस प्लेन के ऊपर ये बनी हुई है कर्व, तो हमारी एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री। मान लीजिए मैं 30 डिग्री देता हूं, तो कर्व कैसे बनेगी, कुछ ऐसे बनेगी। इस प्लेन से अगर मैं सामने से देखूं इसका व्यू, तो देख, या उससे भी अच्छा तरीका, एक तरीका आपको समझाने का ये एंगल क्या है। मैं क्या करता हूँ, इस मेंबर को सिलेक्ट करके ट्रांसलेट करता हूँ वाई डायरेक्शन 10 मीटर लिंक। ओके, अब देखिए जरा, ये मान लीजिए ये जो है हमारा, ये एक प्लेन है, ये एक प्लेन है। अब इस प्लेन के अबाउट देखने हैं आपको कर्व। तो अब इस प्लेन के अबाउट अगर मैं देखूं 3D में, तो ये कर्व क्या है हमारी, इस प्लेन के साथ ही है, तो जिसे बोलेंगे हम 0 डिग्री। ठीक है, दोबारा एक कर्व ड्रॉ करते हैं। ये डाला मैंने यहाँ पे कर्व, फिर पूछा 15 मीटर रेडियस, एंगल दे देता हूँ 30 डिग्री। ओके, अब देखिए जरा 3D में, देख रहे हैं, ये वाली जो आपकी कर्व है तो प्लेन के साथ, और ये वाली कर्व थोड़ी बाहर आ गई। कितने एंगल में, ये वाला एंगल कितना बन रहा है, 30 डिग्री। अगर मैं 90 बनाऊंगा तो कैसे आ जाएगी, पूरी ऐसे आ जाएगी। तो करके देखते हैं 90। मैंने यहां क्लिक किया, यहां क्लिक किया, और यहां पे डाला 90 डिग्री, 15 मीटर रेडियस। देखिए बन गई ना बिल्कुल ऐसे। एक बार इसको रेंडर व्यू में भी देख लेते हैं। सॉरी, हाँ, स्टैट प्रो में आप कर्व बीम को रेंडर व्यू में नहीं देख सकते। तो ये था हमारा कर्व बीम।
नेक्स्ट वीडियो में देखिए हमारा मॉडल एडिटिंग टूल, तो इन सब टूल को बोलते हैं, कोई स्पेशली टूल नहीं है। नेक्स्ट हमारा कनेक्ट बीम अलोंग, ये क्या है देखिए कुछ इस तरह से है, कनेक्ट बीम अलोंग कुछ इस तरह से। अगर मैं किसी नोड पे क्लिक करता हूँ और नोड के कोऑर्डिनेट यहाँ पे जाते हैं, क्लिक करते हैं, अगर नोड के कोड मैं कोऑर्डिनेट चेंज करता हूँ, वाई में डाल देता हूँ 5 मीटर एंटर, तो जो हमारा नोड है वो 5 मीटर ऊपर चला गया, बट उससे जो करेक्ट मेंबर है वो भी उसके साथ साथ गए हैं ऊपर, तो इसे बोलते हैं कनेक्ट बीम अलोंग। यहाँ पे इसको जीरो कर देते हैं दोबारा से। नेक्स्ट क्या है आपका स्ट्रेच, स्ट्रेच सिलेक्टेड मेंबर्स, इसके लिए हमें इसको डिलीट कर देते हैं। मैंने क्या किया, कंट्रोल ए से सिलेक्ट किया स्ट्रक्चर, कीबोर्ड से ही डिलीट कर दिया, ठीक है। यहाँ से मैंने ग्रिड ऑन की और मैं एक स्ट्रक्चर बना लेता हूँ, कुछ इस तरीके का, ये एक्स्ट्रा नोड बन गया है, इसको डिलीट कर देते हैं। तो ये स्ट्रक्चर इस तरीके का है कि इसके डाइमेंशंस देख लेते हैं कि यहां पर जो गैप है हमारा वो 1 मीटर का है, ठीक है। अब इस मेंबर को हमें क्या करना है, स्ट्रेच करके यहाँ कनेक्ट करना है, ठीक है। अब ये कब किया जाता है, मान लो ऑटो कैड से आप कोई प्लान या कुछ 3D मॉडल इंपोर्ट करते हो, तो क्या होता है कभी कभी कुछ मेंबर्स कनेक्ट नहीं हो पाते। अब उन मेंबर्स को बहुत सारी प्रॉपर्टी दी हुई है, अब उसको डिलीट करके नया मेंबर हम बना सकते हैं, तो प्रॉपर्टी भी चले जाएंगे, तो क्यों ना उसी मेंबर को स्ट्रेच कर दिया जाए। तो सबसे पहला स्टेप, उस मेंबर को जिसको स्ट्रेच करना है सिलेक्ट करो, उसके बाद ये चेक करो उसका एंड पॉइंट कहाँ है, स्टार्ट पॉइंट क्या है। देखिए ब्लू पॉइंट होता है एंड पॉइंट और ग्रीन होता है स्टार्ट, जब मैंने कर्सर को बीम के ऊपर होल्ड किया, तो एंड पॉइंट हमारा ये है और गैप कितना है 1 मीटर का। तो चलिए इसको सिलेक्ट करने के बाद स्ट्रेच टूल पे चलते हैं, ये है आपका स्ट्रेच टूल। इसमें 4 तरीके दिए हुए हैं आपको, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, इसको स्ट्रेच करने के 4 तरीके हैं। चलो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आप इस वाले टूल से, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इस पे क्लिक किया, ये क्या कह रहा है, टू एन एग्जिस्टिंग मेंबर, यानी कि ये कह रहा है कि जिस मेंबर से कनेक्ट करना है इसको, इस मेंबर से कनेक्ट करना है, तो क्या कह रहा है कि इस मेंबर को सिलेक्ट करो बाय येलो कर्सर, इस मेंबर को सिलेक्ट करो, तो कर लेते हैं। येलो कर्सर पे क्लिक किया और ये मेंबर सिलेक्ट कर लिया और अप्लाई किया, देखिए कनेक्ट हो गया। इसे क्लोज कर देते हैं, कंट्रोल जेड से अंडो और दोबारा से सिलेक्ट किया और स्ट्रेच टूल। तो ये वाला टूल आप समझ गए, ये वाला टूल, इस पे क्लिक करना है यहाँ पे और येलो कर्सर से जिस मेंबर से कनेक्ट करना है उसको सिलेक्ट किया और अप्लाई कर दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट टूल है हमारा टू एन एग्जिस्टिंग नोड, ये था मेंबर कि पहले से जो एग्जिस्टिंग मेंबर उसको सिलेक्ट करो, ये कह रहा है पहले से जो एग्जिस्टिंग नोड है उसको सिलेक्ट करो येलो कर्सर से, बट यहाँ तो कोई नोड है ही नहीं, तो हमें यहाँ नोड बनाना पड़ेगा, तो यहाँ पहले नोड बनाते हैं, इसको क्लोज करते हैं। तो इस मेंबर का स्टार्टिंग पॉइंट ये है और एंड पॉइंट ये है, और मैंने इस पर राइट क्लिक किया, इंसर्ट नोड किया, तो ये कितना गैप है हमें ये पता करना पड़ेगा पहले, तो ये 4 मीटर है, ये 6 मीटर है, तो ये 2 मीटर के बाद यहां से ये कितना है आपका 2 मीटर, मैं बनाते वक्त ध्यान रखा था ये है 2 मीटर, तो आपको नोट कहाँ इंसर्ट करना है 2 मीटर पे यहां से, तो चलिए यहां पे डाला मैंने 2 मीटर, एड एंड पॉइंट और ओके पे क्लिक किया, ये आ गया। अब जिसको स्ट्रेच करना है उसको सिलेक्ट किया स्ट्रेच टूल, तो हम इस वाले टूल पे थे, तो इस पे क्लिक किया, येलो कर्सर लिया और ये नोड सेट किया और अप्लाई, ये कनेक्ट हो गया, ठीक है। अंडो कर लेते हैं, दोबारा इसको सिलेक्ट किया, दोबारा स्ट्रेच टूल पे गए, अब हमारे पास कौन सा ऑप्शन बचा है, ये वाला। इसमें क्या कह रहा है, थ्रू ए डिस्टेंस, यानी कि डिस्टेंस बता दो उतना ही ये स्ट्रेच हो जाएगा, तो ये एंड पॉइंट है, तो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे हम एंड पॉइंट, ठीक है, और ये गैप कितना है 1 मीटर, तो
वन मीटर में डाल देंगे। बट ये डायरेक्शन कौन सी है आपकी, माइनस एक्स है ना, ये देखो तो माइनस एक्स है तो माइनस वन डाल देंगे यहाँ पे। तो मैंने इस पे सिलेक्ट किया, यहाँ पे एंड पॉइंट, यहाँ पे माइनस वन, और अप्लाई जैसे करेंगे अभी कनेक्ट हो जाएगा। क्लोज कंट्रोल जैसे एंडो, इसको सिलेक्ट किया, नेक्स्ट टूल पे दे स्ट्रेचिंग पे। नेक्स्ट है आपका टू ए पॉइंट, ये कह रहा है कि जिस पॉइंट से कनेक्ट करना है, इससे कनेक्ट करना है हमें, तो इसके कोऑर्डिनेट बताओ एक्स वाई जेड, और ये कनेक्ट कर देगा। तो पहले कोऑर्डिनेट देख लेते हैं इसके, क्या करना है, डबल क्लिक करना है इस पे मुझे नोट कर्सर से। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, 0 4 0, ठीक है। इसको मैंने सिलेक्ट किया, स्ट्रेच टूल, यहाँ पे डाला 0 4 0 और अप्लाई किया, ये अप्लाई हो गया कनेक्ट। तो चार ऑप्शन आपके हो गए स्ट्रेच टूल में। सबसे इजी टूल है ये वाला, ये आपका बेस्ट टूल है। तो नेक्स्ट हमारा क्या है इसमें, इंटरसेक्ट, मर्जिंग, रिनंबर, रिनंबर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, स्प्लिट बीम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये सारे टूल्स देखेंगे। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।